आज मैं आपके सामने निमज के सोलंकी राजपूत वंश के बारे में जानकारी लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले सौरभगढ़ के अंदर एक भुवट राज्य हुए, उनके पुत्र का नाम सोमादित्य था। सोमादित्य के तीन पुत्र हुए, राज सिंह, बीज सिंह जो कि अंधे थे, और दंडक सिंह। राज सिंह के पुत्र का नाम मूलराज था। विक्रम संवत 988 से लगा करके 1052 तक इन्होंने पाटन पर शासन किया। उनके बाद में चामुंडराज, विक्रम संवत 1052 से 1066 तक। चामुंडराज के तीन पुत्र हुए, वल्लभराज, दुर्लभ सिंह और नागराज। वल्लभराज 1066 में और दुर्लभ सिंह ने 1066 से 1098 तक पाटन में शासन किया। दुर्लभ सिंह के बाद में भीमदेव, जो अपने आप में एक बहुत महान प्रतापी शासक हुए थे। सोमनाथ पर आक्रमण भी इन्हीं के समय में हुआ था। विक्रम संवत 1098 से 1120 तक इन्होंने पाटन पर शासन किया। इनके बाद में करण सिंह, विक्रम संवत 1120 से 1150 तक, और उसके बाद में गुजरात के महाप्रतापी शासक सिद्धराज जय सिंह सोलंकी, जिन्होंने विक्रम संवत 1150 से लगा करके 1199 तक शासन किया। सिद्धराज जय सिंह के बाद में कुमारपाल, जिन्होंने 1199 से लगा करके विक्रम संवत 1230 तक शासन किया, और संवत 1325 में मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने जब पाटन पर आक्रमण किया तो पाटन से गुजरात के सोलंकियों का शासन जो है वो यहाँ से खिसक गया। 1326 में ही कुमारपाल जी ने वहां से आने के बाद में भाड़ुआगढ़, जहां पर सात बीसी डाबियों को मार करके और सिंहागढ़ का शासन कायम किया। ये बनासकांठा जिला गुजरात धानेरा तहसील के अंदर आया हुआ है, जिसको सिया गांव के नाम से जाना जाता है। कुमारपाल के पुत्र थे नागल सिंह जी, जो कि इनके वंशज वावथराद में हैं। जोध सिंह जी के लोहगढ़ में हैं। शाम सिंह जी सियागढ़ में ही थे। पृथ्वीराज सिंह जी ने भिनमाल में, वाघ सिंह जी ने कपोरडी में, और रूप सिंह जी ने रूपनगर में अपना शासन स्थापित किया। शाम सिंह जी जो सियागढ़ में थे, उस शाम सिंह जी के पुत्र हुए सवरपाल जी, उनके पुत्र का नाम केसर सिंह जी, उनके पुत्र का नाम जग सिंह जी। जग सिंह जी के पुत्र थे उज्जल सिंह जी, पातल सिंह जी, कान सिंह जी, रुद्र सिंह जी और मेर सिंह जी। उज्जल सिंह जी के पुत्र हुए सोंगल सिंह जी, फिर सोंगल सिंह जी के पुत्र हुए सारंग सिंह जी, दूध सिंह जी, रग सिंह जी, रूप सिंह जी, रणबल सिंह जी। सारंग सिंह जी के पुत्र थे मारण सिंह जी, मारण सिंह जी के पुत्र हुए नैब सिंह जी, लूप सिंह जी, मैप सिंह जी, मेर सिंह जी, मेघराज सिंह जी। नैब सिंह जी जो नव कोटड़ी सिया के अंदर रहे, मैप सिंह जी जो अटाल गांव में थे, मेर सिंह जी जो कि रूणी गांव में थे। रूणी गांव में मेर सिंह जी के पुत्र का नाम था भाकर सिंह जी, भाकर सिंह जी के बाद में हीर सिंह जी, उसके बाद में आपमाल सिंह जी, उनके पुत्र हुए भाकर सिंह जी, उनके पुत्र कान सिंह जी, कान सिंह जी के वनय सिंह जी, वनय सिंह जी के रतन सिंह जी, रतन सिंह जी के वनराज सिंह जी, वनराज सिंह जी के राम सिंह जी, राम सिंह जी के चतर सिंह जी, चतर सिंह जी के जैत सिंह जी। 1794 के अंदर रूणी गांव के ऊपर हमला हुआ और उसके अंदर लड़ते हुए 1794 के अंदर जैत सिंह जी जो है वो जुझार हो गए। जैत सिंह जी के बाद में उनके पुत्र हुए वरवान सिंह जी, वरवान सिंह जी के तीन पुत्र थे रामदास सिंह जी जो कि वर्तमान के अंदर भाटी, और पब सिंह जी इनके भी भाटी, और तीसरे भाई थे तेज सिंह जी। वरवान सिंह जी के तीन पुत्र रामदास सिंह जी, पब सिंह जी और तेज सिंह जी। तो तेज सिंह जी सीधे के सीधे कुछ समय तक तो वो मंडार के भाणेज थे, तो वो मंडार में रहे, और मंडार में रहने के बाद में फिर वो निम्बज चले आए जी। तेज सिंह जी के पुत्र हुए नग सिंह जी, नग सिंह जी के खंगार सिंह जी, खंगार सिंह जी के दो पुत्र हुए वाघ सिंह जी और लाल सिंह जी, लाल सिंह जी के दो पुत्र हुए मूल सिंह जी और भगत सिंह जी, और इधर साध सिंह जी के दो पुत्र हुए उमेश सिंह जी और जवान सिंह जी। उमेश सिंह जी के कोई संतान नहीं थी। जवान सिंह जी के चार पुत्र थे भोपाल सिंह जी, शिवनाथ सिंह जी, वचन सिंह जी, छतर सिंह जी। इन चारों भाइयों का परिवार अभी जो है निम्बज में निवास कर रहा है। भोपाल सिंह जी के एक पुत्र थे ईश्वर सिंह जी, जिनकी शादी नहीं हुई। शिवनाथ सिंह जी के चार पुत्र हैं भीख सिंह, भगवत सिंह, अमर सिंह, हीर सिंह, उनके भी एक एक पुत्र है प्रदुमन सिंह, मितेंद्र सिंह, विश्वराज सिंह और पुष्पराज सिंह। वचन सिंह जी के दो पुत्र हुए नाथू सिंह और कृष्णपाल सिंह, उनके भी एक एक पुत्र है नाथू सिंह के सिद्धराज सिंह और कृष्णपाल सिंह के दिव्यराज सिंह।
छतर सिंह जी के तीन पुत्र हैं किशोर सिंह, महिपाल सिंह और प्रदीप सिंह। किशोर सिंह के वर्तमान में दो पुत्र हैं मानव सिंह और विश्वराज सिंह। महिपाल सिंह और प्रदीप सिंह के अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। सोलंकी वंश के पाटन से निम्बज तक आने किया ये पूरा का पूरा पीढ़ीनामा है। अगर कोई त्रुटि है तो सुधार और सलाह अवश्य करें। जय माता जी।